कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। यदि आपसे भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कह रहा है तो सावधान रहिए। हो सकता है कि वे आपके खाते तक पहुंचकर आपकी गाड़ी कमाई को एक ही OTP से उड़ाने लें। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र स्थित जॉली शॉपिंग सेंटर संचालक के खाते से इसी तरह 44 लाख रुपए साइबर क्रिमिनल ने ठग लिए। विश्वास जताने के लिए एक दो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन की गई और फिर इसी फेर में 44 लाख का चूना जॉली शॉपिंग सेंटर को लगा दिया गया। अब उन खातों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है जिनके जरिए यह चूना लगाया गया है। इसके अलावा इन दिनों छोटा मोटा लालच देकर बैंक खाते में 150 रुपए डालकर अपने जाल में फंसाने का धंधा भी जोरों पर है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने मात्र पर 150 रुपए पेमेंट का लालच दिए जाने के भी किस्से सामने आ रहे हैं। इस बारे में शॉपिंग सेंटर के प्रोपराइटर दीपक रस्तोगी ने FirstBite.tv को यह जानकारी दी। भैया, मेरा नाम दीपक रस्तोगी है, प्रोपराइटर ऑफ जॉली शॉपिंग सेंटर। एक 26 तारीख को एक ऑर्डर आया था मेरे पास गणेश जी की मूर्तियों का। उन्होंने ये कहा कि MH हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल हमारी दुकान के पीछे ही पड़ता है, कि वहाँ भेज दो, वहाँ से कैश मंगा लो। हमने बिल काट के वहाँ पे भेजा। जैसे ही हमने भेजा तभी एक हमारे पे फ़ोन आता है कि भैया ऐसे ऐसे आज तो बैंक बंद है, कैश की हमारे पे व्यवस्था नहीं है, आप जो है ये हमारा अकाउंट नंबर है, 5 रुपये उसमें ट्रांसफ़र कर दो। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये है। तो हमने बैंक से अपने ICICI के अकाउंट से 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। फिर जैसे ही हमने ट्रांसफ़र करते दोबारा फिर कॉल आती है कि भैया हम आपको पहले थोड़ा सा पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको पूरी रकम ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई यही हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने ट्रांसफ़र करी तो एक OTP आया, उन्होंने हमसे OTP मांगा। जैसे ही उन्होंने OTP मांगा तो उसके द्वारा जो है उन्होंने धीरे धीरे ट्रांजेक्शन करके फ़ोन होल्ड करा के बच्चे का हमारे, तो उसको इतना डेमोलाइज कर दिया कि वो कुछ कर नहीं पाया। जैसे उन्होंने पूछा वो बताता रहा, तो इन बिटवीन उन्होंने जो है 11-12 ट्रांजेक्शन कर ली, जिससे 44 लाख, नियर अबाउट 44,80,000 रुपये के करीब उन्होंने वो पैसा ट्रांसफर कर लिया। किस चीज़ की सप्लाई करनी थी और लगभग कितने समय पहले की घटना है ये? 2 दिन पुरानी बात है भैया। हाँ, दो सप्लाई किस चीज़ की? वो हमने गणेश जी की मूर्ति की थी, जो ऑर्डर था वही सप्लाई किया था। तो उसके बाद हमने फिर जब पता चला हमें कि ऐसा एपिसोड हो गया, तो हमने जो है क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट की है, FIR लॉन्च करा दी है। अब देखते हैं कि पुलिस से हमारा कितना सहयोग मिलता है। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि देखो मोदी जी की सरकार है, इधर योगी जी की सरकार है, कि कॉपरेशन हमको मिलना चाहिए। क्या बताया था उन्होंने आपको, कौन से डिपार्टमेंट वगैरह? क्राइम ब्रांच में, साइबर में। सप्लाई किसको की थी आपने? ये कोई आर्मी का ऑफिसर का फोन आया था हमारे पास, लेकिन वो पता चला कि वो फर्जी है। जॉली स्टोर के जो ओनर हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके बेटे के पास एक कॉल आई थी, जिसने अपने आप को डिफेंस का कर्मी बताया था और कहा था कि उसको गणेश जी की 10 मूर्तियां ऑर्डर करनी हैं, और उसने कुछ सैंपल मांगे थे जो उन्हें व्हाट्सएप जो नंबर दिया था उस पर उनको उपलब्ध कराया। बदले में उसने एक मूर्ति उसमें से पसंद की कि ये पसंद है और इसके मुझे 10 पीस चाहिए। फिर उसने ट्रांजेक्शन के लिए अपना एक अकाउंट नंबर दिया और अपना जो जॉली स्टोर का अकाउंट है उसको वेरीफाई करने के लिए कहा कि आप इसमें 5 रुपये ट्रांसफ़र करिए, जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। और पलट कर उसने जब ये 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए, फिर 15 रुपये उसने ट्रांसफ़र करके कहा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आपको इसमें फर्दर इसमें आपके पास OTP आएगा, वो हमसे शेयर करते रहें। इसी में उन्होंने ट्रांजेक्शन किया है, जो जॉली स्टोर के ओनर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि उनके बेटे ने उसमें जो बातें वो कहते रहे, इस तरह से कोई ट्रांजेक्शन करते रहे, तो टोटल इनका 44 लाख के करीब इनका पैसा उसमें ट्रांजेक्शन हो गया, जो कि इनका बेटा समझ नहीं पाया। वो लगातार वो OTP मांगता रहा, वो शेयर करता रहा। अभी हमने फ़िलहाल उसमें जो अकाउंट्स थे, 6 अकाउंट्स हैं जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, उन सभी को फ्रीज़ करने के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल दी थी तत्काल ही, और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना जारी है। नहीं, ये ऑब्वियसली ऐसा होता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं किसी स्तर पर होती है, तभी ये साइबर फ्रॉड हो पाते हैं। यदि कोई जागरूक रहे और ये समझ जाए कि OTP मांगा जा रहा है तो क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन के लिए आपका इंटरनेट बेस जो भी है, आपकी ई बैंकिंग जो है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में साफ साफ है कि आप OTP शेयर ना करें। ये इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं बैंक की तरफ से भी, और जो भी होगा कोर बैंकिंग में, आप OTP नहीं शेयर करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। वो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसी पर आता है,
तो ये कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, वो बातों में इस तरह से बहला लेते हैं कि ये फ्रॉड करने हो ही जाता है कि मतलब वो कहेंगे OTP शेयर कर दो, हमने आपके पास भेजा है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए एक OTP आपके पास आएगा, इसको वेरीफाई करा दें। तो कई बार ऐसे लफाजे वाली बातों में लगा कर वो फिर बेवकूफ़ बना देते हैं जिसमें ये ट्रांजैक्शन होते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।